गाइस मैं हूं गुलाब शाह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रंच। बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन एक्ट्रेस कंगना रनौत अब एक नई कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है। कंगना और मीडिया रिपोर्टर के बीच मचा बवाल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले और कंगना के मिसबिहेवियर के साथ बात करने के तरीके को देखते हुए खुद एंटरटेनमेंट गिल्ड ऑफ इंडिया ने कंगना रनौत को बॉयकॉट कर दिया था, जिसे लेकर हाल ही में कंगना रनौत ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में कंगना रनौत ने इंडियन मीडिया के पत्रकारों को न सिर्फ देशद्रोही बल्कि दोगली बातें करने वाला और चंद रुपयों में बिकने वाला बताया है। साथ ही बिना जर्नलिस्ट का नाम लेते हुए उन्होंने रिपोर्टर्स पर कई तरीके के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में पहले मीडिया को वो उनको इनकरेज करने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रही हैं और उसके बाद कंगना ने मीडिया के दूसरे हिस्से को दीमक की तरह देश की गरिमा को चोट पहुंचाने वाला बताया है। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने अपने वीडियो में मीडिया को नालायक और 50 रुपए में बिकने वाले पत्रकार भी कहा है। वहीं कंगना रनौत ने मीडिया से खुद को बैन करने की रिक्वेस्ट भी कर दी और ऐसा करते हुए उन्होंने ये कहा कि वो नहीं चाहती कि उनकी वजह से किसी पत्रकार के घर में चूल्हा जले, इसलिए उन्हें बैन किया जाए। इसके अलावा कंगना ने अपने वीडियो में मीडिया को देशद्रोही कहते हुए असहनशीलता वाला बताया है, यानी कि जिसमें पेशेंस नहीं है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंगना रनौत के बिहेवियर को और रिपोर्टर से हुए झगड़े और EJGI के कंगना को बॉयकॉट करने वाले लेटर के बाद एकता कपूर ने इस मामले पर माफी मांग ली। लेकिन अब कंगना के इस वीडियो के सामने आने के बाद इस पूरे मामले का क्या रुख होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। बॉलीवुड के अपडेट्स के लिए देखते रहिए।